इतने सारे पैसे? वापस आओ, रुको, मुझे अपने पैसे छिपाने होंगे। ओह, इन दीवार का होल काम आएगा। मेरे पास एक आइडिया है, मैं इसे इस होल में डाल देती हूँ और 3D पेन से ये सेफ रहेगा। पहले इसकी आउटलाइन बनाते हैं और फिर डायगोनल लाइंस बनाएंगे। दूसरे डायरेक्शन से भी ऐसा ही करें। अब इसे स्पाइडर वेब की तरह बनाएंगे, बिल्कुल बीच से शुरू करते हुए सर्कल बनाएंगे। इस तरह मेरे पैसे अब सेफ हैं। ओह नहीं, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तो ये सब ऐसे होता है? तुमने ये गिरा दिया था। ओह, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत खूबसूरत फ्लावर्स हैं। आपका काम? माफ करना, तो मैं कह रही थी आपका काम सिर्फ इनके देखभाल करना होगा। ओह, कितने सुंदर हैं। ये वाला कितना प्यारा है। बाल बाल बचे, आप ध्यान दे भी रही हैं। बढ़िया, मेरे साथ आओ। ये रहा वाटरिंग कैन। वाह, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये थोड़ा आसान लगता है, इन्हें ज्यादा पानी मत देना। ठीक है। ओह नहीं, ये क्या गड़बड़ है, साफ करो इसे। हाँ बिल्कुल, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। तो यहाँ पर क्या है? मैं चाहती हूँ तुम ये पॉट साफ करो। ओप्स, सांस लो, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, ये तो ठीक नहीं हुआ। हालांकि मैं जानती हूँ सब ठीक कैसे होगा। हमें इस प्लांट पॉट को फेंकना नहीं है, बस एक 3D पेन लें और पॉट के इस साइड पर ड्रॉ करना शुरू करें। बिल्कुल कोनों कोनों पर प्लास्टिक लगाना शुरू करें। कोई स्पॉट छोड़ मत देना, बस हो ही गया। जब ये हो जाए तो इस तरह एक स्ट्रैंड ऐसे ही छोड़ दें। हम इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं। परफेक्ट, अब इस तरह इसके ऊपर लाइंस बनाते जाएं और अब इसे फिल करें। इसमें थोड़ा समय लगेगा पर अच्छी चीज बन जाएगी। दोबारा कोई भी गैप मत छोड़ना। अब कोई भी क्रैक हो तो उसे 3D पेन से फिल कर लें। इससे ये टूटेगा भी नहीं और मजबूत भी हो जाएगा। अब हम इसे कलर करते हैं। कितना अलग है ना। हाय, अरे वाह, ये हुई ना बात। और कोई चीज मत तोड़ देना, समझ गए। माफ करना। वाह, क्या नींद आई। हे, आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू मी। अब मैं क्या करूं? समझ गया। वो यहीं कहीं है। आहा, मेरी सजावट, बर्थडे वाला माहौल भी तो होना चाहिए। कुछ ठीक नहीं है। हेय, कैसे हो बडी? मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अपनी आंखें बंद करो। हाँ? बंद करो। टरा, एक बलून मेरे लिए। ये शानदार है। खैर, आज का दिन खास है, मैं इसे दीवार पर टांगूंगा। खैर, मेरे पास एक आइडिया है, मुझे मेरा 3D पेन चाहिए। अब जरा ये देखो, एक गुब्बारा फुलाएं और उसके ऊपर 3D पेन से ड्रॉ करें। गुब्बारे के आसपास लूप बनाएं, उसे घुमाते जाएं जब तक पूरा गुब्बारा कवर ना हो जाए। जब ये हो जाए तो कैंची लें और इसके कोने से इसे काट दें। जब इसकी हवा निकल जाए तो इसे इसमें से निकाल लें। अब इसके अंदर फेरी लाइट्स डाल दें। हमारे पास कुछ पार्टी लाइट्स भी हैं। मैं इसे यहाँ टांग देता हूँ। इतनी कोजी लग रही है, मुझे पसंद आए। ये ट्रैश कैन फायर से बहुत बेहतर है। चलो सेलिब्रेट करें। मैं इसे साफ कर देता हूँ। ये रहे कप्स और मूड सेट हो गया। अब हमें केक चाहिए। मेरी बर्थडे विश की बारी। हाँ, ये क्या हुआ? हवा की वजह से। कोई बात नहीं, मौसम ही ऐसा है। मैंने कुछ जल्दी ही सोच लिया। हैप्पी बर्थडे। कितनी प्यारी सुबह है, मुझे तैयार होना चाहिए। उठ जाओ, मॉर्निंग। मैं दांत ब्रश कर लेती हूँ। मुझे अभी भी नींद आ रही है। ओह, गुदगुदी हुई। मेरे दांत चमक रहे हैं। ओ नहीं, शायद वो ध्यान ना दे। ठीक है, अब क्या करना है?
मेकअप सही लग रहा है। ओह, मेरे इयररिंग्स, जल्दी से पहन लेती हूँ। दूसरा वाला कहाँ है? मुझे मत देखो, मुझे नहीं पता। उसे पता नहीं चला। बहुत अजीब बात है। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास एक आइडिया है। एक 3D पेन इस्तेमाल करके एक ट्रायंगल बनाना शुरू करें। बिल्कुल इस तरह लाइंस को साथ साथ जोड़ें। जब ट्रायंगल का बेस बन जाए एक अलग रंग इस्तेमाल करें। हमें वाटरमेलन बनाना है तो अलग अलग ग्रीन कलर्स इस्तेमाल करें। और अब बीज के लिए ब्लैक डॉट्स बनाएं। ब्लैक डॉट्स रेड प्लास्टिक पर अलग अलग होने चाहिए। जब ये हो जाए तो इसे पलटाएं और पीछे इयररिंग स्टड लगा दें। कितना फैशनेबल और स्वादिष्ट लग रहा है। पर अभी ये पूरा नहीं हुआ। छोटे छोटे लाइंस बनाने के लिए 3D पेन इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ भी ऐसा ही करें। हमें एक लीफ की शेप बनानी है। ये अच्छा लग रहा है। अब इसे पलटाएं और एक छोटा सा क्लियर स्क्रॉ लगाएं। इसे काटने के लिए कैंची का इस्तेमाल करें। ये आपके कान से लीफ को टिकाए रखेगा। वाह, अच्छा लग रहा है। हाँ? मैं प्लम्बर बनना चाहती हूँ। मैं जानती थी। ओह, पहला गेस्ट आ गया। Hey girl, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तुम भी। Happy birthday. ओह, एक फोन केस। शुक्रिया, पर मेरे पास ये वाला पहले से है। माफ करना, पर मेरे पास कुछ और भी है। ये देखो, मेरे पास दांत है। हाँ बिल्कुल, कुछ और भी होगा। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे माफ कर दो। रुको, क्या ये 3D पेन है? तो मेरे पास एक आइडिया है। एक फ्लैट सरफेस पर फोन रखें और 3D पेन से इस पर ड्रॉ करना शुरू करें। पहले नीचे से शुरुआत करते हैं। जैसा चाहे वैसा बनाएं, बस पूरा फोन कवर होना चाहिए। कोई जगह मत छोड़ना। कैमरा लेंस को छोड़कर इस जगह पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। अब फोन की साइड्स पर भी ड्रॉ करें। हमारा मतलब एक सिंगल और पर्सनलाइज्ड फोन केस बनाने से है। बिल्कुल इसकी तरह। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और लाई हूँ। वाह, मुझे पसंद आया। बढ़िया, क्या मैं जा सकती हूँ? ओह, एक और गेस्ट। हे, हैप्पी बर्थडे। मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाया हूँ। ध्यान से, ये तो बहुत क्यूट है। जो भी है, मुझे तैयार होना चाहिए। ये बेल्ट कितनी प्यारी है, बस ये थोड़ी छोटी है। ओ नहीं, मेरे नेल्स नहीं, ये खराब हो गए। बहुत बुरा हुआ। अपने आप को देखो, मेरे बेचारे नेल्स। लूजर, तुम सबसे बुरी हो। कोई बात नहीं, मैं ये ठीक कर सकती हूँ। ये काम आएगा। समझ गए। इमरजेंसी नेल रिपेयर करने के लिए पहले अपनी उंगलियों पर टेप लगाएं। अब एक वुडन स्टिक लें और इस टेप को नेल में प्रेस करें। और अब एक पेन से आउटलाइन बनाएं। अपनी नेल से टेप को निकाल लें। अब इसे फ्लैट सरफेस पर रखें और अब बाकी का नेल बना लें। ओवल शेप बनाएं। 3D पेन लें और नेल टेम्पलेट को फिल कर लें। लाइंस के बीच बीच में रहना चाहिए। अब कुछ पेंसिल या वैसा ही कुछ लेकर इसे थोड़ा मोड़ कर एक कर्व बना दें। अब टेप से फेक नेल निकाल दें। आराम से करें, हमें नेल तोड़ना नहीं है। अब फालतू का प्लास्टिक काटने के लिए नेल सीजर्स इस्तेमाल करें। इंक के साथ साथ काटना है। अब हमें इसे बस लगाना है। अब इसे बाकी उंगलियों पर भी लगा दें और पाए शानदार नेल्स। अच्छे लग रहे हैं। वाह, अब मैं तैयार हूँ। ये कमाल के लग रहे हैं। हाँ, हे, ध्यान से हटाओ इसे। हटो, तुम्हें हुआ क्या है? जरा टाइम देखो, सफाई करने का टाइम है। निकलो यहाँ से। बहुत हुआ, ये लो। भागो यहाँ से। मैंने उसे सबक सिखाया। आपको जिंदगी में बहुत सी परेशानियाँ आती हैं, पर कभी कभी 3D पेन इन परेशानियों का हल हो सकता है। आपका फेवरेट हैक कौन सा था, हमें कमेंट्स में बताएं। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।